जनपद मुरादाबाद के बिलारी तहसील मुख्यालय से मात्र 1.5 किलोमीटर दूर तहसील की सर्वाधिक आबादी वाले गांव रुस्तम नगर सहसपुर के लोगों ने इकट्ठा होकर सहसपुर को नगर पंचायत का दर्जा दिलाए जाने की मांग को लेकर खंड विकास अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में मांग की गई है कि रुस्तम नगर सहसपुर की आबादी करीब 30,000 से अधिक है, जबकि प्रदेश में 30,000 से कम आबादी वाले गाँव को नगर पंचायत का दर्जा दिया जा रहा है। बिलारी मुरादाबाद से दानवीर सिंह की रिपोर्ट। ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, अरे उड़ाओ पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, सहसपुर को नगर पंचायत बनाओ, सहसपुर को नगर पंचायत बनाओ, बनाओ नगर पंचायत बनाओ, सहसपुर को नगर पंचायत बनाओ, सहसपुर को नगर पंचायत बनाओ, सहसपुर को नगर पंचायत बनाओ, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद, ग्रामीण एकता जिंदाबाद। एक मिनट रुक जाइए। ज्ञापन दिया है, क्या मामला है, किस बात को लेकर ज्ञापन दिया है? देखो आज 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 हमने वीडियो साहब को ज्ञापन दिया है और ये ज्ञापन इससे पहले भी दिया था। हम ये चाह रहे हैं कि हमारे गांव गांव की आबादी मौजूदा जो है 30,000 से ज्यादा है और जबकि उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार जो गाँव 20,000 की आबादी वाले हैं उनको बनाया जा रहा टाउन। तो जब हमारे गांव की मौजूदा स्थिति 20,000 से आबादी ज़्यादा है तो हम चाहते हैं कि हमारी एक मांग है कि यार के ब्लॉक के द्वारा शासन को एक जो वो ठीक सा रास्ता बना के भेजा जाए और जिससे हमारी जो आने वाले टाइम में क्षेत्र में विकास होगा, जैसे बिलारी में बिलारी पालिका बना हुई है, सहसपुर को भी जो नगर पंचायत बनाया जाए अलग से। तो अब किस अधिकारी को आपने ज्ञापन दिया है? एक हमने ज्ञापन दिया था SDM साहब को, उसके बाद में इससे पहले हमने एक वीडियो साहब को भी ज्ञापन दिया इससे पहले 2 दिन पहले और आज ही हमने जो 6 सूत्रीय ज्ञापन दिया है। क्यों इसके मतलब नगर पंचायत के साथ साथ हमारी 6-5 मांगें हो रही कि ये जो सार्वजनिक रूप से शौचालय बनाया जा रहा है ये जो दूसरे 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 जिलों में बनकर चालू भी हो गया, हमारे यहाँ पर इतने धीमे गति से काम चल रहा है कि ये चालू नहीं हो पाया। दूसरी हमारी मांग ये है जो सहसपुर के जो तालाब हैं, तालाब वहाँ पर पिछले जो है 10 वर्षों से कोई भी काम नहीं हुआ, जबकि जो उसके सौंदर्यकरण के लिए काफ़ी पैसा हुआ है और उसको और जो उसका जो तालाबों का पानी है वो लगातार जो है घरों में जा रहा है, घरों में घुस रहा है। और इसके अलावा जो इन्होंने ना पिछली बार लोहे की वो लगाई थी नालियों पर डिप, वो डिप खराब हुई, दूसरी डिपों की मांग करी तो इन्होंने वो सीमेंट की लगा दी ऊँची ऊँची डिप जिस पर लोग घायल हो रहे हैं, गिर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि वो डिपें को तोड़ के दोबारा बनाई जाए, रोड के किनारे सही से बनाई जाए। और एक 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 हमारे ब्लॉक के पीछे पानी लीकेज हो रहा है, एक हमने वो समस्या उठाई है वो पूरा होना चाहिए। और एक ब्लॉक के सामने वाली 11,000 की लाइन है जो काफ़ी पहले से ग्रामीणों की मांग रही है और हर एक उसमें मौके पे जब भी कोई इलेक्शन आता जब हमने मुद्दा उठाया, लेकिन आज तक भी सही हुई है। हम ये मान नहीं कर रहे कि ब्लॉक द्वारा उसको हटाया जाए, हम चाह रहे हैं कोई ना कोई उसका जो ना वो देखा विकल्प देखा जाए कि या तो मोटा तार पंच तार पड़ जाए उसमें या कोई ऐसा वो ग्रामीण छत से मिलते हुए आ रहा है।